गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मौसम विभाग के अनुसार जनपद में 20 जून तक मानसून आने की संभावना है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि आज के लिए बारिश का अनुमान था, लेकिन सूचना के अनुसार अब तक बारिश की कोई सूचना नहीं है। अभी कुछ दिनों तक लू का सामना करना पड़ सकता है। यदि मौसम में कोई बदलाव होता है तो जिला प्रशासन सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुँचाने का प्रयास करेगा। उन्होंने बताया कि 20 जून तक मानसून के आगमन की संभावना है। आज जो बारिश हुई है वह रिमल चक्रवात के कारण हुई थी। अभी तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन आगे कुछ दिनों में शांत हो जाएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी जो ये था ये एक मतलब आज के लिए ये बारिश का वो पूर्वानुमान मिला हुआ था IMD द्वारा, लेकिन अभी जो IMD द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अभी कोई आगे बारिश की कोई चेतावनी उन्होंने नहीं दी है। और आगे चल करके अभी अभी थोड़ा हम लोगों को हीटवेव अभी और मिलेगा आगामी दिनों में, तो अभी इसी की सूचना है यहाँ पर। और यदि अगर कोई मौसम में परिवर्तन होता है तो फिर उसे आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से या आप तक 1-to-1 इसको पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये आज के लिए था। और आज अभी मौसम दिन भर इसी तरह से धूप छाँव बनी रहेगी, लेकिन इसके पश्चात जो है मौसम पुनः जो है वो मतलब धूप निकलेगी और हीटवेव थोड़ा सा बढ़ने की संभावना पुनः रहेगी। बारिश को लेकर के जो अभी अपडेट है, जो मानसून आने की जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं वो 15 से 20 जून के आसपास इसको व्यक्त किया गया है। लेकिन जो अभी रिमेल चक्रवात जो था उसका ये आफ्टर इफेक्ट है, ये जो इधर हम लोगों को थोड़ा सा चक्रवाती ये बारिश मिली है, लेकिन आगे चल करके फिर अभी मौसम जो है वो इसी प्रकार मतलब वो ओपन होगा और हीट वेव की संभावनाएं बनी रहेंगी। तेज हवाएं सी रहेंगी क्या ये? नहीं, ये जो हल्की हवाएं जो चल रही हैं ये 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं हैं जो रह रहे की झोंके में, क्योंकि ये रिमेल जो चक्रवात आया था उसी का थोड़ा सा ये साइड इफेक्ट है, लेकिन ये फिर धीरे धीरे ये भी ओपन हो जाएगा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करोड़ेश ने गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने बताया कि जिला प्रशासन ने इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने की बैठक की। शाम से ही EVM मशीनें गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहुंचनी शुरू हो गईं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। EVM मशीनों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चौकसी बरती जा रही है। बैठक में कुल मतदान संख्या और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्राप्त मतों का विश्लेषण किया जा रहा है, साथ ही मतगणना के लिए चुनाव एजेंटों की नियुक्ति भी की जा रही है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह, SDM सदर मृणाली अविनाश जोशी सहित दोनों लोकसभा के प्रेक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा, देखिए चुनाव संपन्न हुआ, मतगणना के कार्यों में और जो जरूरतें उसको पूरा करने के लिए प्रशासन भी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी साथी लगे हुए हैं। कल जब से EVM मशीन यहाँ गोरखपुर विद्यालय में आना शुरू हुआ है, तब से हम समाजवादी लोग यहाँ पर अपनी तैयारियों के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। काफ़ी देर रात तक 2:30-3 बजे तक हमारे और कार्यकर्ता रहे हैं, करीब करीब 12:30 बजे तक मैं ही रहा। क्या आज जो बैठक हुई है क्या क्या चर्चा हुई है? नहीं, उसमें स्क्रूटनिंग हो रही है, उसमें स्क्रूटनिंग में ये देखा जा रहा है कि किन विधानसभाओं में कुल कितना मत मिला है, टोटल लोकसभा में कितना मत मिला है। जिलाधिकारी महोदय और उनके संबंध ऑब्जर्वर भी सब लोग बैठे हुए हैं, उस पर हो रहा है। हमारे तरफ से खरभान भाई गए हुए हैं जो इलेक्शन एजेंट हैं, वो देख रहे हैं। अभी कुछ ही आधे घंटे में आपको पूरा वो सब मिल जाएगा। मतगणना को लेकर क्या चर्चा हुई? मतगणना को लेकर के अभी इलेक्शन एजेंट बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। अभी मिल जाएगा, स्क्रूटनिंग चल रहा है, स्क्रूटनिंग चल रहा है, उसको अब जल्द ही मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद रविवार को शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का दौरा किया। प्रातःकालीन मंदिर भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे प्राणी उद्यान केंद्र पहुंचे और वहां उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इटावा लायन सफारी से लाए गए बब्बर शेर भरत और शेरनी गौरी को भी देखा। इसके बाद वे गेंडे के पास गए और वहां उन्होंने हरी और गौरी नामक गेंडों को केले खिलाया। मुख्यमंत्री ने प्राणी उद्यान घूमने आए बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिए।
लोकसभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के बाद शनिवार को सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। उसके बाहर पीएससी की ड्यूटी लगाई गई है और बाहरी सुरक्षा घेरे में स्थानीय पुलिस बल तैनात है। ईवीएम वाले कमरे को सील कर दिया गया है और इसे 4 जून को प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही खोला जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी ईवीएम मशीनों को देखना चाहता है तो वह सीसीटीवी के कैमरों के माध्यम से ऐसा कर सकता है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस अवसर पर एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के व्यस्त दौरे के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं गोरखपीठाधीश्वर की प्रातःकालीन दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। सीएम योगी शुक्रवार शाम से गोरखनाथ मंदिर प्रवास पर हैं। सीएम योगी के लिए रविवार का दिन भी आध्यात्मिकता, परोपकार और स्नेह से भरा रहा। रविवार सुबह गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन कर उन्होंने लोक मंगल की कामना की। इसके बाद ब्रह्मलीन गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया। परंपरागत रूप से मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले सीएम योगी के कदम रिमझिम बारिश से भी नहीं रुके। भ्रमण करते हुए परिसर में श्रद्धालुओं के साथ आए बच्चों पर उनकी नजर पड़ी। मुस्कुराते हुए उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया, उनका नाम, पढ़ाई के बारे में पूछा, खूब हंसी मजाक किया और सभी को चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात मंदिर परिसर में गौशाला का भ्रमण कर गोवंश की सेवा की। उनकी आवाज़ सुनकर छोटी गायें और बछड़े दौड़ते हुए उनके पास आ गए। सभी को दुलार किया, उन्हें गुड़ खिलाकर उनकी सेवा की।